झांसी के ऐतिहासिक गणेश मंदिर में 2 वर्षों के बाद फिर से सार्वजनिक गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। जी हां, ये वही महाराष्ट्रीयन गणेश मंदिर है जहां महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था और यहां पर 1927 से लेकर आज तक हर वर्ष गणेश उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र समाज में एक महाराष्ट्र समिति है जो सारे उत्सव मनाती है और महाराष्ट्र गणेश मंदिर कमेटी। तो इस गणेश उत्सव का शुरुआत रघुनाथ विनायक धुलेकर जो झांसी के पहले सांसद रहे उन्होंने और महाराष्ट्र समाज के द्वारा इसकी प्रारंभ किया गया यहाँ पर सार्वजनिक रूप से। 2 वर्षों के बाद इस बार फिर से इस ऐतिहासिक गणेश मंदिर में सार्वजनिक गणेश उत्सव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। 2 साल बाद गणेश मंदिर के प्रांगण में दोबारा गणपति बप्पा पधारेंगे और उनकी सार्वजनिक रूप से पूजा की जाएगी और विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया जाएगा। जो लोगों में उत्साह रहता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं, कि हम लोगों का क्या होता है, छोटे बच्चे जो भी धार्मिक चीज़ें सीखते हैं तो उसकी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो बाल बालिका सम्मेलन होता है जिसमें राम रक्षा, हनुमान चालीसा, भीम रूपी और मनाची श्लोक जो रामदास स्वामी द्वारा बनाए हुए, उसका सब लोग बच्चे यहाँ पर अपना वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो 2 साल से चूँकि नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब तो अपने यहाँ सब खुल चुका है तो बड़े धूमधाम से इसकी तैयारी है हर।